हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि इन्फोसिस पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत तेज तो हुआ ही है ये तो हमने सबने देखा है लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का जो हालचाल है वो यहाँ से और सुधर सकता है चांसेस कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं आज आ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसके ऊपर तो डिस्कस करूंगा ही एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं उसके बारे में भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे ठीक है एंड हाँ दो और स्टॉक्स आज ही की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड वो दो स्टॉक्स होने वाले हैं एक रहेगा दोस्तों बोनस वाला शेयर एंड एक रहने वाला है डिविडेंड वाला शेयर ठीक है स्टार्ट करेंगे सबसे सब पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इन्फोसिस लिमिटेड के फ्रंट पेज पर आप अगर यहाँ पर देखें तो आज ये काउंटर जो है फ़्लैट बंद हो गया कोई तेजी नहीं कोई मंदी नहीं कम्प्लीटली जो है आपको फ्लैट क्लोज होता हुआ आज आपको ये काउंटर देखने को मिला तो इसमें स्थिति जो आज की थी वो ठीक है जो थी वो मैंने आपको दिखाई लेकिन अगर हम बीते कुछ दिनों का हालात देखें तो देखो आ, एक हफ्ते में अगर आप देखोगे तो शेयर में कुछ नहीं हुआ ही हुई बेसिकली वहीं अगर हम एक महीना देखें महीने भर के रिटर्न है साढ़े सात परसेंट ठीक हाँ छः महीने में अट्ठारह उन्नीस परसेंट एंड एक साल के रिटर्न देखो कि लगभग अट्ठाईस उनतीस परसेंट के दिखाई दे रहे हैं तो ये यहाँ पर रिटर्न प्रोफाइल आपको दिखाई दे रही है लेकिन बात ये निकल कर आती है कि जिस तरीके की सिचुएसन अभी आपको इसमें देखने को मिली है वो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिले उसके पीछे कारण है कि पिछले दो तीन साल से जो रिटर्न नहीं आ रहे थे इन्फोज में आपको कोई भी रिटर्न बेसिकली यहां पर देखने को मिल नहीं रहे थे लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको रिटर्न भी देखने को मिल रहे हैं एंड शेयर में एक मोमेंटम भी दिखाई दे रहा है हालांकि अभी रिसेंटली मतलब तो एक दो दिन में गिरावट हुई है क्योंकि एक दो दिन में तो पूरा का पूरा मार्केट में ही सिचुएशन कोई खास नहीं रही इसलिए हम एक दो दिन की तो बात नहीं करेंगे लेकिन इतना ज़रूर है कि बीते कुछ समय में जो स्थिति देखने को मिली है अब हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ें देखने को मिले अब बात ये आ जाती है कि कुछ खबरें भी हैं जो इन्फोसिस के रिगार्डिंग आपको अच्छी देखने को मिल रही है वो मैं आपको न्यूज़ अभी इस वीडियो में हम वही डिस्कस कर रहे हैं तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आखिरकार क्या खबरें हैं किस तरीके की चीज़ें ये देखो सबसे तो पहले एक रिपोर्ट मैंने आपके सामने लगाई है ये तो आप जानते ही हो कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है रिलीफ पॉसिबल इन इन्फोसिस केस तो यहाँ पर एक चीज़ है जो आपके सामने आ सकती है कि इन्फोसिस वाला जो मैटर था आपको पता होगा कि एक भारी बरकम एक बिग अमाउंट ऑफ जीएसटी इन पर डाल दिया गया था कर्नाटक सरकार की तरफ से बेंगलोर बेस्ड ही कंपनी है ये तो हम सब जानते हैं ना तो कर्नाटक सरकार ने इन पर एक भारी भरकम जीएसटी का नोटिस इन्हें थमा दिया था और जिस तरीके का जीएसटी नोटिस इन्हें मिला था हालत खराब हो गई इन्फोस की भी लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि इतनी आसानी से जीएसटी नोटिस जितनी आसानी से थमा दिए जाते हैं ना इतनी आसानी से कोई बढ़ता नहीं है भले ही सरकार पीछे पड़ जाए अब अलग बात है कि सरकार पीछे ही पड़ के रह जाए माने ही ना तो अलग चीज़ है लेकिन इतनी आसानी से तो कोई बढ़ता नहीं है लेकिन उसके पीछे जब इन्फोसिस ने विरोध दर्ज कराया काफ़ी बार इस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आई उन्होंने बोला कि ये गलत हो रहा है तो दोस्तों सरकार ने कुछ सोचा इसके बारे में एंड खबरें तो इस तरीके की निकल कर आई थी कि अब यहाँ पर सिचुएशन जो है सही हो सकती है एंड इस जीएसटी नोटिस को खारिज किया जा सकता है क्योंकि एक और चीज़ है कि इंफोसिस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है आज के समय पर बेंगलोर जो है पूरी तरीके से आई हब बना हुआ है ना आई हब बना हुआ है तो उसके पीछे इन्फोसिस का एक बहुत बड़ा हाथ है तो इन्फोसिस इस तरीके से तो हार मानने वाली है नहीं कंपनी तो अगर देखा जाए तो आज जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है उसमें ये चांसेस हैं कि जीएसटी जो इन आ, इन पर लगाया गया था एक भारी बार नोटिस थमाया गया था चांसेस हो सकते हैं कि अब वो सिचुएशन थोड़ी सही होती हुई दिखाई दे एंड वो इन जीएसटी uh, का जो नोटिस था वो हो सकता है वापस लिया जाए उस पर रिलीफ़ uh, दे दिया जाए इन्फोसिस को इस बात के चांसेस हैं एंड आज ही इस बात पर जो फाइनल uh, डिसीजन जो होगा वो आज ही आ जाएगा ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा ठीक है चलो अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको कुछ अब देखो मैं आपको जो है इन्फोसिस के चार्ट पर भी लेकर आया हूँ एक बार ठीक है अब आप अगर यहाँ पर देखोगे इन्फोसिस के चार्ट पर तो आज जो क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है उन्नीस के आसपास की क्लोजिंग आज नज़र आई है ठीक है लेकिन बीते दिनों में आपने एक चीज़ यहाँ पर देखा है कि हुआ क्या है बेसिकली कि एक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था इसने जो अपना हाई बनाया था इन्फोसिस ने इन लेवल्स पर और ये लेवल थे दोस्तों लगभग लगभग उन्नीस सौ के आसपास पास की ठीक वो ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया हालांकि ब्रेकआउट वाली प्राइस से थोड़ा सा नीचे आया है ये बात पक्की है लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ था एंड अब चांसेस हैं कि उस ब्रेकआउट को फॉलो करते हुए ये काउंटर आगे स्थिति अच्छी में देखने को मिले एंड एक बार फिर से यहाँ पर तेजी का जो है माहौल आपको बनता हुआ दिखाई दे वैसे तो इन्फोसिस हो गया यो आई सेक्टर हो गया पूरा का पूरा यहाँ पर कोई ऐसा समस्या नहीं है आ, ऐसा कहीं कोई खास दिक्कत भी नहीं है लेकिन जैसे ही मार्केट आपको नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा ये शेयर्स भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे लेकिन एक बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है जिस पर नज़र रखी जानी चाहिए अगर आज जी काउंसिल मीटिंग में रिलीफ मिल गया तो ये काउंटर आपको कल चलता हुआ भी देखने को मिलेगा इस पर कोई बात नहीं देखो ये तो होगा नहीं कि नोटिस को बरकरार रख लिया जाए या हो सकता है इसके बारे में कोई बात ना हो या फिर ये हो सकता है कि रिलीफ दे दिया जाए ठीक है जो भी होगा वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा थोड़ी बहुत देर में या फिर रात तक ठीक तो चलो आगे बढ़ते हैं जैसे कि मैंने एक बोला था अब हम बात करेंगे है, है? इसने मतलब बोनस किया था कुछ समय पहले लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि डेट जो है इसकी वो नजदीक आने वाली है कुछ दिनों में रिटर्न पहले दिखा दू एक महीने में चार परसेंट नेगेटिव एक साल में अठारह परसेंट एंड पांच साल में एक सौ नब्बे परसेंट ठीक है मैं डायरेक्टली पहले आपको बोनस का हालात दिखा देता हूँ उसके बाद हम बाकी की डिस्कशन भी कर लेंगे बोनस का अगर आप हलचल देखोगे तो वन इजू वन का आपको यहाँ पर इस रेशियो में बोनस इशू आने वाला है एंड uh, अगर देखा जाए तो इसका जो डेट है वो है बीस सेप्टेम्बर ठीक तो ये है बोनस का हालात अब मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ एक ऐसे चेयर के ऊपर जो आपको दिखाएगा एक अच्छा खासा डिविडेंड एंड दोस्तों ये डिविडेंड वाला शेयर है उसका नाम है ला ओपाला आर जी लिमिटेड देखो इसकी प्राइस है तीन सौ साठ के आसपास रिटर्न एक साल के पंद्रह परसेंट नेगेटिव पाँच साल के एक सौ तीन परसेंट के ओवरऑल रिटर्न पीछे अस्सी सौ परसेंट के ठीक है दो हज़ार सात आठ लिस्टेड कंपनी भी है डायरेक्टली दिखाता हूँ डिविडेंड के क्या हालात हैं पाँच प्लस पाँच दस रुपये का डिविडेंड है एंड डेट है तेईस सेप्टेम्बर दो हजार चौबीस ठीक है कंपनी के एक बार हालचाल भी देख लें कंपनी प्रॉफिटेबल है रेवेन्यू इस बार घटा था दो तो हज़ार चौबीस में लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट तो बढ़ती हुई नजर आई थी ठीक है दोस्तों तो ये कम्प्लीटली बात हो गई ओवरऑल मार्केट के मतलब तीनों शेयर्स के बारे में उम्मीद है आपको सबको अच्छे समझ भी आ गया होगा अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना जाते जाते आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए एंड दोस्ती वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन परपज से